So, देखो भाई लोग, फाइनली जो द कर्स नाम की कोरियन सीरीज है वो हिंदी में आ गई। इस केड्रामा का जो अपडेट है मैंने आपको 6 महीने पहले दिया था कि ये हिंदी में आने वाली है, एंड भाई फाइनली कल इसको एमएक्स प्ले के प्लेटफॉर्म पर हिंदी में रिलीज कर दिया गया। इवन 1 साल पहले जब ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई तो उसी टाइम मैंने इसका रिव्यू भी किया था, जब मैंने इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा था विद सबटाइटल। एंड मैं अपनी 1 साल पुरानी भाई वीडियो देख रहा था, मतलब मैंने उसमें क्या बोला था उसको देख करके सच में मुझे भाई हंसी आया कि 1 साल पहले मैं कैसे बात करता। एनीवे, उस वीडियो में बहुत सारी चीजें इस केड्रामा को लेकर के एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि वो भाई उस टाइम हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको मैं इस केड्रामा के बारे में कुछ और डिटेल देने वाला हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और भाई हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज फुलफिल कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो भाई, मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने में, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, फ्री है एकदम भाई। एनीवे, इस केड्रामा को देखने के लिए भाई आपको टोटल 12 एपिसोड देखने हैं जो कि आपको एमएक्स प्ले पर मिल जाएंगे। देखो हिंदी डब जो की गई है, अगर मैं उस पर कमेंट करूं तो हिंदी डबिंग ठीक है, जो वॉइस की कास्टिंग है, आवाज है, वो काफी ज्यादा बढ़िया लगती है सुनने में, नो डाउट। यस, इसकी जो हिंदी डबिंग है, जो एमएक्स प्ले के पिछले प्रोजेक्ट आए हैं स्पेशली कोरियन में, उनसे बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन इस हिंदी डब की प्रॉब्लम यह है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो पूरी तरीके से भाई एकदम खिच टाइप की फील होगी। एंड इस केड्रामा का भाई जो मेन जान है वो बीजीएम है, ये डायलॉग हैवी सीरीज नहीं है, वहां पर आपको ये हिंदी डबिंग बीजीएम के थ्रू डिसअपॉइंट करेगी क्योंकि वो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। फिर भी मैं बोलूंगा कि एक एपिसोड इसका हिंदी डब का चेक करना, जो कि बहुत ज्यादा खराब नहीं है, ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। तो हिंदी डब का जो इशू है उसको समझ गए, लेकिन जो मैं नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो भाई, इस केड्रामा की जो कहानी है उसको लिखा था ट्रेन टू बुसान के मेकर ने, एंड जब उन्होंने सीजन 1 इसका बनाया था तो उन्होंने ऑडियंस से प्रॉमिस किया था कि हम इसका सीक्वल लेकर के आएंगे, मतलब द कर्स पार्ट 2। बट सीजन 2 को लेकर के आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन 2021 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द कर्स डेड मैन स्प्रे। यस भाई, इस केड्रामा की जो कहानी है, जब फाइनल बैटल हो जाती है इसके एंड में, उसके बाद अगर आप इस कहानी को और ज्यादा फॉलो करना चाहते हो तो 2021 में आई हुई मूवी को देख सकते हो, बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये केड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है तो वो जो पिक्चर है ओरिजिनल लैंग्वेज में अवेलेबल है, उसको आप ट्राई जरूर करना। उसमें भी आपको मिस्टीरियस एंड डेड बॉडी जो जिंदा हो जाती है उनको लेकर के काफी अच्छा थ्रिल वगैरह देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि भाई जो ये के ड्रामा है सबको टारगेट नहीं करता, ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि स्पेशली स्लो पेस वाली डार्क मिस्ट्री थ्रिलर हॉरर मूवीज या वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं। तो अगर आप इसको रोमांस एंड कॉमेडी के लिए देखने जा रहे हो तो यहीं पर बता रहा हूं कि भाई ये आपके लिए नहीं है, दिस बहुत ज्यादा स्लो पेस है। इसकी चीजों का मजा लेने के लिए आपको हर एक एपिसोड में अच्छा खासा पेशेंस देना पड़ेगा, धीरे धीरे करके इसकी मिस्ट्री को आपको समझना पड़ेगा। एंड इसकी जो हिंदी डबिंग है एमएक्स प्लेयर की, उसमें आपको सबटाइटल मिलता नहीं है, तो थोड़ा बहुत इसमें आपको जो टाइम जंप देखने को मिलेगा वो कब हो जाएगा आप हिंदी डब में पता नहीं चलेगा क्योंकि वहां पर कोरियन में लिख करके आएगा। तो ये भी इशू है जो कि आपको इसके हिंदी डब के साथ झेलना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ पढ़ने वाली चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। एंड इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई जो लोग सबटाइटल के साथ काम चला लेते हैं वो ओरिजिनल लैंग्वेज में देखने की कोशिश करेंगे, तो इसका जो फील है स्पेशली बीजीएम का उसमें आपको ज्यादा तगड़ा वाला मजा देगा। बाकी कहानी की बात करें तो इसकी जो कहानी वो सिंपल है, मतलब जो अपनी एक्ट्रेस एक फॉरेस्ट केस पे वर्क करती है जिसमें साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी इन्वॉल्व रहती है, एंड जो उस कंपनी का सीईओ है भाई उसके साथ काफी तगड़ा लोचा रहता है। एंड भाई जब अपनी एक्ट्रेस इस फॉरेस्ट केस को सॉल्व करती है तो उसकी मुलाकात होती है सोजिन नाम की एक लड़की से, जिसके पास भाई कुछ सुपर नेचुरल एबिलिटी रहती है। अब उसके बाद इस सीरीज में क्या देखने को मिलता है वो सब जानने के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा। सीरीज की बात करें तो भाई सीरीज में जो थीम एक्सप्लोर किया गया है सामान या फिर एशियन मैजिक डार्क मैजिक को लेकर के, अगर आप इस तरह के थीम के लिए नए हो गए तो ये सीरीज आपको बहुत तगड़ा मजा देगी, क्योंकि इसके थीम में जो आपको मिस्ट्री हॉरर सस्पेंस कॉन्स्पिरेसी वगैरह को लेकर के जो आपको ट्विस्ट टर्न देखने को मिलते हैं वो बहुत ज्यादा तगड़े हैं। सीरीज में हॉरर का एलिमेंट है, बट ये हॉरर ऐसा नहीं कि आपका एकदम जी फाड़ के रख देगा। स्पेशली जो प्रो ऑडियंस है वो इसके हॉरर को एंजॉय करेंगे बट डरेंगे नहीं, लेकिन जो नॉर्मल ऑडियंस है शायद डर भी सकती है। बाकी सीरीज भाई पूरी तरीके से मिस्ट्री के नाम पर अपना गेम खेलती है, एंड जो इसकी मिस्ट्री वो बहुत ज्यादा लेयर्ड है, आपको देख करके मजा आएगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेकर मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको साइड डिटेल्स दी है, अगर आपने मेरी 1 साल वाली पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, ज्यादा डिटेल के लिए आप उस वीडियो को देख लेना। अदरवाइज मैं आपको भाई इतना ही बोलूंगा कि अगर आप एक फन टू वॉच हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर के ड्रामा देखना चाहते हो, वो भी डार्क स्लो पेस वाला, तो ज्यादा दिमाग लगाए बिना आप इस चीज को एक बार ट्राई कर सकते हो, आपको मजा जरूर आएगा, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा है, कहानी का जो एग्जीक्यूशन है वो भी काफी ज्यादा एंगेजिंग। बाकी मेरी रेटिंग की बात करें तो मैं इसके सीजन को ओवरऑल जज करते रखूंगा 8 out of 10 स्टार। तो अगर आपने देखा है अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना, मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना इस वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।